कोरोना वायरस से संक्रमण के भारत में कम से कम 125 मामले हो गए हैं और इसी के साथ भारत संक्रमण के फैलने के चक्र के नाजुक चरण में प्रवेश कर गया है। 17 मार्च को भारत में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3 हो गई। मृतक 64 साल का था और हाल ही में दुबई से लौटा था। उसकी मौत महाराष्ट्र में हुई, जहां इस समय देश में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। राज्य से ऐसी भी खबरें आ रही थी कि जिन्हें खुद ही अपने आप को क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया था, उन लोगों ने क्वारंटाइन का उल्लंघन किया है और घर से बाहर भी निकले हैं। ऐसे उल्लंघन को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जिसे भी खुद को क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाएगा, उनके हाथ पर लंबे समय तक ना मिटने वाली स्याही से स्टाम्प किया जाए। संक्रमित लोगों की जांच ना होना, उनकी निगरानी ना होना, उनका अपने बारे में जानकारी छिपाना और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना बड़ी समस्या बनी हुई है। पश्चिम भारत में संक्रमण का पहला मामला इन्हीं कारणों की वजह से हुआ है। जिस 33 वर्षीय युवक को संक्रमित पाया गया, वह 6 मार्च को इटली से भारत लौटा था। हवाई अड्डे पर हुई जांच में संक्रमण नहीं निकला, जिसके बाद वो दिल्ली में ही कई गेस्ट हाउसों में रुका और फिर ट्रेन से भुवनेश्वर चला गया। जांच करने पर भी विवाद चल रहा है। सरकारी संस्थाएं रैंडम टेस्टिंग कर रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जांच बहुत कम हो रही है और इसे और बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली में 15 मार्च को दो मरीजों के पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इनमें वह 45 वर्षीय कारोबारी भी शामिल है, जिसे दिल्ली में संक्रमण का पहला मामला कहा गया था। उसका पिछले 2 हफ्ते से सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था। ठीक होने पर उसने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह एक सामान्य फ्लू के जैसा ही है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था उसकी देख रेख के लिए अच्छी तरह से तैयार है। उस व्यक्ति ने आइसोलेशन वार्ड की भी तारीफ की। इसी बीच आगरा में एक महिला और उसके परिवार के खिलाफ क्वारंटाइन के निर्देश न मानने की वजह से FIR दर्ज हो गई। महिला का पति को हाल ही में यूरोप से बेंगलुरु लौटने पर संक्रमित पाया गया था। महिला भी यूरोप गई थी और उस पर आरोप है कि यहाँ पे काफी लोग हैं जो बीमार चल रहे हैं, वो वही कंबल वगैरह बार बार, क्योंकि ये कंबल ऐसे हैं जो बार बार वही यूज हो रहे हैं, बार बार वही यूज किए जा रहे हैं, तो दूसरों को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए जो रेलवे ने कदम उठाया है कि कंबल हटा दिए जाए, पर्दे हटा दिए जाए, वो काफी सही है। और रेलवे ने एक और चीज कही है कि पहले शुरुआत के टाइम में टेम्परेचर जो है वो काफी हाई रखा जाए और बाद में उसको थोड़ा सा स्थिर कर दिया जाए, ये भी उनका एक अच्छा सुझाव है। और अभी फिलहाल क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, लोगों को बहुत गर्मियाँ भी लग रही थी, तो अभी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल किया गया, कम किया गया है, और बस ये 1 घंटे के लिए किया गया, फिर वापस से टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या पर्दे हटाए गए हैं? नहीं, अभी पर्दे नहीं हटाए गए, पर कंबलें हटा दी गई हैं। वे क्वारंटाइन होने की जगह बेंगलुरु से आगरा चली गई। महिला, पति और उसके परिवार ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि पति के संक्रमित होने की पुष्टि उनके आगरा लौट जाने के बाद हुई थी, लेकिन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने कई तरह के प्रतिबंध या तो लागू कर दिए हैं या लागू करने वाले हैं। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर और स्विमिंग पूल बंद कर दिए हैं और महाराष्ट्र में भी मॉल, स्कूल और कॉलेज बंद हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों में चुनाव होने थे, जो स्थगित कर दिए हैं। तमिलनाडु में सभी प्राथमिक विद्यालय, मॉल और सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं। असम और उत्तराखंड में भी इस तरह के प्रतिबंध लग चुके हैं। केंद्र सरकार ने 16 मार्च को ही पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, जिम और स्विमिंग पूल बंद करने के निर्देश दे दिए थे। सरकार ने लोगों को हर तरह की गैर जरूरी यात्रा से भी बचने की सलाह दी और निजी कंपनियों को सलाह दी है कि वो जितना संभव हो सके अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दें। कई शहरों में मॉल, स्पा, नाइट क्लब और यहां तक कि साप्ताहिक हाट भी बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ताजमहल समेत पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने वाले स्मारकों को बंद कर दिया गया है। बड़े बड़े मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर भी या तो लोगों का आना निषेध किया जा रहा है या श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे कुछ दिन ना आएं। नगर पालिकाएं जगह जगह पर हाथ धोने की सुविधा और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही हैं। दिल्ली में हर उस सम्मेलन पर रोक लगा दी गई है जिसमें 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना हो। ये प्रतिबंध विरोध प्रदर्शनों पर भी लागू होगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शाहीन बाग में जो महिलाएं नागरिकता कानून के विरोध में पिछले 3 महीनों से भी ज्यादा से सड़क पर बैठी हुई हैं, वे अभी भी बैठी रहेंगी या प्रदर्शन खत्म कर देंगी? अदालतों ने भी सीमित रूप से काम करना शुरू कर दिया है। दूसरों को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए जो
सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई हो रही है और जहां तक संभव हो सके मामलों से संबंधित लोगों के अदालत में होने की अनिवार्यता में ढील दे दी गई है। विश्व में तालाबंदी के मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य के संगठन ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में करीब 14,000 नए मामले सामने आए हैं। इटली और स्पेन के बाद अब फ्रांस में भी राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में सरकार ने नागरिकों को घर में ही रहने का निर्देश दिया है। अमेरिका में कोरोना वायरस की पहली संभावित वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। वैक्सीन का नाम mRNA-1273 है और इसका ट्रायल सिएटल में शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि इसका विकास एक वैश्विक गठबंधन के समर्थन से संभव हुआ है, जिसकी स्थापना भारत और नॉर्वे ने मिलकर की थी।